अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यूएनडीपी की जो जॉब्स आते रहते हैं और उन पर जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो किस तरह मुमकिन है। यूएनडीपी अक़वामे मुत्तहिदा का ज़ैली इदारा है। इसमें तरीक़ाकार यह है कि सबसे पहले आप ऑफिशियल जो यूएनडीपी का रिक्रूटमेंट पोर्टल है उसको विज़िट करें और वहाँ पर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मौजूद हैं जॉब वैकेंसीज से मुतल्लिक। फिर उसके बाद आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट आप क्रिएट करेंगे उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं जॉब ओपनिंग के लिए। जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाए तो आपने स्पेसिफिक जॉब पोजीशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करना है। वहाँ पर आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल बैकग्राउंड, वर्क एक्सपीरियंस और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। ये तो इसका जॉब एप्लीकेशन का तरीक़ाकार हो गया। उसके बाद जो स्टेप आता है स्क्रीनिंग का, जो ही डेडलाइन गुजर जाती है तो यूएनडीपी का जो रिक्रूटर्स हैं वो तमाम सबमिटेड एप्लीकेशन को रिव्यू करेंगे, उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट करेंगे, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रिक्रूटमेंट पर पूरा उतरते हैं उनको फिर रابطہ किया जाएगा, असेसमेंट और इंटरव्यूज़ के लिए उनसे रابطہ किया जाएगा। इस तरह आपको जब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो आप उस टेस्ट और इंटरव्यू के लिए लाजमी चले जाएं। और जो नौजवान जो लोग इनिशियल स्क्रीनिंग स्टेज को पास कर जाएँ और असेसमेंट टेस्ट इंटरव्यू और उनके स्किल्स नॉलेज स्टेबिलिटी वगैरह सूटेबिलिटी को चेक किया जाए तो फिर आपको आगे के लिए सिलेक्शन और ऑफ़र लेटर जारी किए जाएंगे। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को लेटर जारी किए जाएंगे और चूजन कैंडिडेट जो भी होंगे उनको सैलरी, बेनिफिट्स, स्टार्ट डेट और रेलेवेंट टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट से मुतल्लिक बताया जाएगा। याद रखें कि काफ़ी सारे फेक एडवर्टाइजमेंट भी जारी हो सकते हैं, तो आपने ख्याल करना है किसी फेक रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपने नहीं जाना। यूएनडीपी का जो प्रोसेस है उसके ज़रिए आपने जाना है और लिंक हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं सारे जो जहां पर पाकिस्तान या दुनिया भर में जो जॉब्स के लिए लिंक है वो भी शेयर कर रहे हैं और ऑनलाइन अप्लाई का जो लिंक है वो भी हम आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहे हैं। उन पर क्लिक कीजिए, अप्लाई कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। खुदा हाफिज़।